पहले बेटी को पैदा होने के बाद मार दिया जाता था, लेकिन अब बेटी को पैदा होने से पहले ही मार दिया जाता है। लेकिन ये पाप करने वाले शायद भूल जाते हैं कि सुख हो या दुख, बेटी ही साई की तरह साथ देती है। डॉटर्स डे पे हम आपको एक ऐसी ही बेटी की कहानी दिखा रहे हैं। आपने मुझे प्यार के साए तले पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन अब आप मेरी बेटी हो, कुछ यही कह रही है सुतापा अपनी मां मंजुश्री से। पापा के अचानक चले जाने के बाद मेंटल शॉक की वजह से मां की ये हालत हो गई। 10 साल में उनकी दिमागी उम्र घटते घटते 6 महीने की बच्ची की रह गई है। पिछले 10 साल से योग एक्सपर्ट सुतापा अपनी मां का बेटी की तरह ध्यान रख रही है। दिमागी तौर पर बच्ची बन चुकी मंजुश्री पूरी तरह से अपनी बेटी पर निर्भर है। सुतापा मां का बच्चों की तरह ख्याल रखती हैं, उन्हें दूध पिलाना हो या नहलाना, सारे काम सुतापा अपने हाथ से करती है। इस बेटी ने अपनी पूरी जिंदगी मां के नाम कर दी है। नेचुरोपैथी और संगीत के जरिए 63 साल की मंजुश्री थोड़ा चलने लगी है। लेकिन वो जो डे था 2009 को, मैंने यही देखा कि बस अब कुछ नहीं, कि मेरा सब कुछ है, जैसे पैसे पेंशन में या जैसे जैसे चलेंगे मैं घर चला लूँगी, मुझे अब कहीं नहीं देखना। स्कूल छोड़ के फिर मैं इनको नेचुरोपैथी सेंटर लेके गई, 2 महीने वहाँ पे रहकर इनको अच्छी तरह से बिना वॉकर के चला के लिए, मुझे पता है योग और इसमें विश्वास, कोई मेडिसिन नहीं दिया। घर पे आके इनको म्यूज़िक थेरेपी, योग, नेचुरोपैथी इन सब दे के पट्टी वट्टी सब कुछ करके अपने आप में बहुत अच्छा खड़े किया। माँ की सेवा करने के लिए सुतापा बाहरी जिंदगी से कट चुकी है, घर में ही योग और नेचुरोपैथी क्लिनिक चलाती है। सुतापा 3 भाई बहन हैं, भाई और बहन दोनों अपनी लाइफ में सेटल हैं, जबकि सुतापा माँ की सेवा में ही जीवन का सुख तलाश रही हैं। समाज और हालात से अकेले लड़ती इस बेटी को अफसोस है कि आज भी बेटियों को बोझ समझा जाता है। मैं खुद बेटी हो के आज भी कह रही हूँ कि लड़कियों की कोई मतलब सुनने वाला नहीं है सुनने वाला, राखी कोई नहीं सुनने वाला उनकी दुख पर। लड़कियों के लिए क्या है, एक बदनाम, उनके लिए बोलना, वो मतलब कुछ भी तो बात लेके आप जोड़ के बोल सकते हो, उनकी बदनाम कर सकते हो। आप मम्मी के, आप तुम्हारी वजह से मम्मी इतना अपाहिज हो गई, तुमने मम्मी को इतना देखा, तुम्हारी वजह से मम्मी, आज मुझे यही सुनने को मिलता, आज तुम आकर शादी करके चले जाते मम्मी फिट रहती है। सुतापा की माँ क्लासिकल सिंगर थी, इसलिए वो उन्हें गाने गाकर सुनाती है। गाने के बोल कान में पड़ते ही मंजुश्री की आंखों में चमक आ जाती है। लेकिन जैसे ही सुतापा मां से अलग होती है, वो बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। इनके इस रिश्ते को देखकर वाकई ये कह पाना मुश्किल है कि यहाँ कौन माँ है और कौन बेटी। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, जरा सा सभी दर्द हो तो रोती हैं बेटियां, कांटों की राह पे ये खुद ही चलती रहेंगी, औरों के लिए फूल होती हैं बेटियां। कैमरामैन विजयगिरी गोस्वामी के साथ राखी जैन, बीटीवी न्यूज़।